सरगुजा जिले के बतौली के मानपुर से गर्भवती महिला अपने परिजनों के साथ सोनोग्राफी करवाने के लिए अंबिकापुर पहुंची थी। इसी दौरान घर जाते वक्त अंबिकापुर शहर के खरसिया नाका के पास फल दुकान के सामने गर्भवती महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया। दरअसल अंबिकापुर शहर में कई दर्जनों सोनोग्राफी मशीन संचालित है और दलाल कमीशन के चक्कर में कहीं भी चेक कराने के लिए लोगों को बहला फुसला कर ले जाते हैं, लेकिन ऐसे सभी संस्थानों में डिलीवरी का सही समय नहीं बताने की वजह से इसी तरह के मामले सामने आते रहते हैं और प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर के द्वारा डेट नहीं होने पर वापस घर जाने को कह दिया जाता है। इधर घर जाते वक्त अंबिकापुर शहर के खरसिया नाका फल दुकान के सामने गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। वह स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल एम्बुलेंस को फोन पर बुलाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस के द्वारा गर्भवती महिला और बच्ची को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहरहाल इस तरह की लापरवाही ने शहर में संचालित सोनोग्राफी सेंटरों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। ओम प्रकाश कहाँ से है? मानपुर बतौली जी। क्या हो गया था अभी? अभी वहाँ रास्ते में ईशन हो गया है, क्या बोलते हैं, डिलीवरी हो गया। कहाँ आए थे लेके? हम वहाँ क्या बोलते हैं सोनोग्राफी। तो क्या बोले डॉक्टर? अभी टाइम नहीं हुआ है। और जाते आते रास्ता में रास्ता को उतना से मालूम नहीं है मुझको। अभी रास्ता घर जा रहे थे वापस, तो क्या हुआ? डिलीवरी। क्या हुआ, लड़का हुआ लड़की? लड़की हुई। स्वस्थ है? स्वस्थ।